कि आप देख रहे हो मैंने मोबाइल को टर्न कर दिया और ये लैंडस्केप मोड में चल रही है। तो दोस्तों आपने एंड्रॉयड या स्मार्ट टीवी तो ले लिया, लेकिन आप चाहते हो कि मैं अपने मोबाइल से अपने टीवी में कुछ चलाऊं, कुछ गाने चलाऊं या पबजी खेलूं या फिर कोई वीडियो चलाऊं बिना किसी डाटा केबल के कनेक्शन के, बिना किसी पेन ड्राइव से। तो आप बस इस वीडियो को देखते रहो, इस वीडियो को पूरी देखना, अच्छे से देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे अपने मोबाइल से अपने टीवी में कुछ भी चला सकते हो बिना किसी पेन ड्राइव के, बिना किसी डाटा एक्सचेंज के। दोस्तों सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है कनेक्शन एंड शेयरिंग में। कनेक्शन एंड शेयरिंग में जाने के बाद आपको स्क्रीन कास्ट दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और सर्च नियर बाय डिवाइस पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख रहे हो MI TV जो है आ गया है। और दोस्तों मेन बात ये कि जो वाईफाई है, आपका TV और आपका फ़ोन सेम वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, दोनों का कनेक्शन सेम होना चाहिए, तभी ये जो है स्क्रीन कास्ट आप कर पाओगे। चलो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमको इस पर ओके कर देना है, स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ पे करने के बाद देखो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये स्क्रीन कास्टिंग शुरू हो गई है। अब आप मोबाइल में आप जो भी चलाओगे सब कुछ आप TV पे देख सकते हो, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ गैलरी में। जैसे जैसे आप चलाओगे मोबाइल में वैसा वैसा आप TV पे भी देख सकते हो, वैसा ही दिखेगा। तो दोस्तों मैं आपको एक वीडियो चला के दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने मोबाइल के अंदर एक वीडियो चलाई और वो जो है TV में भी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों मैं आपको एक वीडियो और चला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपको लग रहा होगा कि हल्की हल्की सी अटक रही है, स्मूथ नहीं चल पा रही है, हल्की सी हैंग हो रही है, तो इसके पीछे का कारण मेरा मोबाइल है। मेरे मोबाइल का स्टोरेज जो है काफ़ी भरा हुआ है, फुल हो गया है, तो इसी वजह से ये थोड़ी स्मूथली नहीं चल रही। तो दोस्तों मैं YouTube भी खोल देता हूँ एक बार, लेकिन दोस्तों मैं YouTube पे आपको कुछ चला के नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि YouTube पे अगर मैं चलाऊँगा तो मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, इसीलिए मैं आपको YouTube पे चला के नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन जैसे जैसे आप मोबाइल में चलाओगे वो सब कुछ आप TV पे देख सकते हो। तो दोस्तों जैसा जैसा मैंने आपको बताया उन इन्फॉर्मेशन को फॉलो करोगे तो आप भी जो है अपने मोबाइल से अपने TV में TV चला सकते हो। तो दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सेम वाईफाई से मोबाइल कनेक्ट होना चाहिए और सेम वाईफाई से TV कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप चला पाओगे। और आपका मोबाइल और आपका TV जो है वाईफाई की रेंज में होना चाहिए, 10 मीटर में होना चाहिए। तो दोस्तों जो जो आप चलाओगे पबजी म्यूज़िक वीडियो सब कुछ आप जो मोबाइल में चलाओगे वो TV में भी चलेगा। दोस्तों अगर आप मोबाइल में पबजी खेलोगे तो वो आपको TV में भी दिखाई देगी। तो दोस्तों आप ये ना कहो कि वीडियो तो चलाई लेकिन सीधी सीधी चलाई, इसलिए मैं आपको एक बार लैंडस्केप मोड में भी चला के दिखा देता हूँ, ताकि आपको लगे कि ये फुल स्क्रीन में भी काम करता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो मैंने मोबाइल को टर्न कर दिया और ये लैंडस्केप मोड में चल रही है। तो दोस्तों मैंने वैसे आपको पहले ही बता दिया था कि मेरे मोबाइल का स्टोरेज भरा हुआ है और TV का भी भरा हुआ है, इसी वजह से ये थोड़ी सी लैग हो रही है, स्मूथली नहीं चल पा रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने TV में कुछ भी चला सकते हो जो आपको अपने मोबाइल से अपने TV में देखना है। दोस्तों आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि आपका जो स्टोरेज है वो अगर आप खाली करके चलाओगे मोबाइल का स्टोरेज, और दूसरी बात ये कि आपको जो है उसमें देख लेना है कि कोई पेन ड्राइव तो नहीं लगी हुई है TV के अंदर, और या फिर उसका स्टोरेज भरा हुआ तो नहीं है, तो आप बिल्कुल स्मूथली आप भी चला पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करके सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।